हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक रेसिपी। ईद मुबारक इन एडवांस आप सभी को। आज शीर कुर्मा बनाएंगे हम ईद स्पेशल में। इसके लिए मैंने हाफ लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया हुआ है। ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं, ये से मैंने रात भर गला के रखा था। इसमें 10 काजू थे, 10 बादाम और 5 पिस्ता है और 3 से 4 ड्राई डेट्स हैं, छुआरा है और चिरौंजी है। इनको मैंने रात भर गला के रखा पानी में, इसके स्किन निकाल ली मैंने। ये मैंने वर्मीसेली ली हुई है। इसके आप इसके प्लेस पर आप बारीक वाली वर्मीसेली यूज़ करिए, मेरे पास यही अवेलेबल थी। ये मैंने शुगर ली हुई है 1/2 कप और ये 2 इलायची और 2 लौंग है इसमें और ये केवड़ा एसेंस है। सबसे पहले हम जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे उनको ड्राई रोस्ट घी में रोस्ट करते हैं। इसके लिए हमने घी एक मैंने पैन में 1 टेबल स्पून घी गरम किया हुआ है। ये घर का देसी घी हुई है। अब हम ये गरम कर रखा है, इसमें हम सबसे पहले इलायची डाल देंगे ओपन करके, ये लौंग डालेंगे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे उसको हम अच्छे से इसमें घी में सेक लेंगे। इसे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हम होने देंगे। ये ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इसी घी में हम ये वर्मीसेली डाल देंगे। शीर खुरमा बारीक वाली वर्मीसेली का बनता है, आप वो यूज़ करिए। इसे भी हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे वही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम एक पैन में दूध अच्छे से रिड्यूस होने रखते हैं। ये मिल्क हमने फुल क्रीम लिया हुआ था, ये इसको बॉईल होने रख दिया है। अब हम इसमें ये वर्मीसेली सेवई ऐड कर देंगे और ड्राई फ्रूट। और इसे अच्छा हाफ रिड्यूस होने तक पका लेंगे। ये अच्छे से हाफ रिड्यूस होके गाढ़ी हो गई है हमारे शीर खुरमा। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। थोड़ा यहाँ पे फ्यू ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है। और इसे एकदम चिल्ड हो जाने के बाद सर्व करते हैं। ये हमारी शीर खुरमा बन के रेडी है। मैंने इसे रोज पेटल से डेकोरेट कर लिया है और ये बहुत ही टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन प्रेस करिए। थैंक यू, बाय बाय।